लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला चंडीगढ़ के हरियाणा विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के प्रबोधन कार्यक्रम में शामिल हुए। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञान चंद्र गुप्ता, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत हरियाणा के सभी सांसदों और विधायकों ने लोकसभा अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया। नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसीज यानी प्राइड के तत्वावधान में किया गया था। समापन सत्र में हरियाणा विधानसभा सदस्यों को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आए सदस्य राष्ट्र के आदर्शों, आशाओं और विश्वास के अभिरक्षक हैं। इसलिए जनप्रतिनिधियों में अधिकारों के साथ दायित्वों के लिए सजगता का भाव होना जरूरी है। हम सब विधायकगण इस देश के, इस प्रदेश की जनता के आशा और विश्वास के अभिरक्षक हैं और इस नाते हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि किस तरीके से हम विधायक की भूमिका निभाते हुए विधायकी का कार्य करना, विधायक कानून बनाना, नीति निर्धारण करना और इस विधायी शासन के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण करते हुए किस तरीके से धन का सही उपयोग हो, वित्तीय खर्चों पर नियंत्रण हो, यह हमारी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इस महत्वपूर्ण भूमिका को हमें बहुत जिम्मेदारी से निभाने की जिम्मेदारी इस प्रदेश की जनता ने हमें दी है। लोकसभा अध्यक्ष ने सदन के भीतर और बाहर जनप्रतिनिधियों के गरिमापूर्ण आचरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सदस्यों को विधायी परंपराओं और परिपाटियों की जानकारी होने के साथ इनका पालन भी करना चाहिए क्योंकि सदस्यों का आचरण ही विधायी संस्थाओं की गरिमा को बढ़ाता है। उन्होंने विधान मंडलों में घटते सत्रों और सदन की कार्यवाही बाधित होने पर भी गहरी चिंता जताई। विधानसभाओं के अंदर सत्र न चलने का कारण भी लोगों का मानना है कि वहाँ वाद विवाद संवाद की जगह डिस्कस और डिबेट की जगह डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है, इसलिए सत्रों की संख्या गिरती जा रही है। लेकिन हमें इस चीज़ों को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आखिर हमारी जिम्मेदारी प्रदेश की जनता ने दी है और इसको हम सामूहिक रूप से परिवर्तन करेंगे, किस तरीके से हमारे लोकतंत्र की मंदिर की छवि अच्छी बने, जनता का विश्वास भरोसा और बढ़े। क्योंकि जब विधानमंडल और लोकसभा या संसद के प्रति जनता का विश्वास और भरोसा और बढ़ेगा तो हम ज़्यादा जनता की अपेक्षाओं को पूरा कर पाएंगे। पक्ष विपक्ष हो, तर्क भी हो, संवाद भी हो, लेकिन सत्र चले, ये हमारी सबसे पहले प्राथमिकता होनी चाहिए। एक घंटा और एक मिनट भी सत्र बाधित नहीं हो, इसका निर्णय और संकल्प लेने की आवश्यकता है। और ये अगर हमने प्रयास करना शुरू कर दिया तो एक लोकतंत्र की नई पहचान बनेगी कि देश के जितने विधानमंडल हैं, पार्लियामेंट हैं, वो बिना बाधित हुए चलते हैं, जहाँ चर्चा संवाद होते हैं, तर्क वितर्क होते हैं, पक्ष विपक्ष होता है, लेकिन सदन में होता है और उसमें से सरकारों से भी अपेक्षा की जाती है कि वह विधायकों, प्रतिपक्ष को साथ लेकर किस तरीके से सदन चला सकते हैं, इसमें सरकार को भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का प्रयास करना चाहिए। इस अवसर पर लोकसभा स्पीकर ने कहा कि राजनीतिक बहुलवाद हमारे लोकतंत्र का मर्म है, इसी से सदन में वाद विवाद में जीवंतता और सक्रियता का संचार होता है। उन्होंने हरियाणा में हो रहे बहुआयामी विकास पर भी संतोष व्यक्त किया। हरियाणा राज्य एक ऐसा राज्य है जिसकी पुरातन संस्कृति है, ज्ञान का भंडार है, जहां पर
कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है, अपनी संस्कृति भी है और इस राज्य को विकास की दृष्टि से देखें तो विकास के अंदर हर गांव के अंदर सड़क, बिजली, पीने का पानी, लोगों को रोजगार देने के लिए उद्योग, एक ऐसा राज्य जो निश्चित रूप से बहुआयामी विकास का प्रतीक है। लोकसभा स्पीकर ने जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे निर्बाध रूप से सदन के संचालन में अपनी जिम्मेदारी निभाएं ताकि स्वस्थ लोकतंत्र की परिकल्पना को साकार किया जा सके। चंडीगढ़ प्रवास के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य और पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर के साथ शिष्टाचार भेंट भी की।